और उसने हमें इस योग बना दिया। क्या कर दिया? किस योग बना दिया? आपको पता उसने आपको किस योग बना दिया? बोलो। एक दिन आप आशाहीन थे, आशाहीन समझते, आपके जीवन में परमेश्वर का नाम था पर उसकी आशा नहीं थी। बोलो, क्योंकि वो आशा का जो खोदा है वो आपके जीवन में नहीं था। बोलो क्या है? आज वो आया है। बोलो क्या है? आज वो आया कि नहीं आया? आया ना। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो आशा है हमें, आशा से लज्जा नहीं होती। बोलो, आशा से लज्जा नहीं होती। क्योंकि क्यों लज्जा नहीं होती? क्योंकि पवित्र आत्मा के वसीले उसका प्रेम हमारे मनों में डाला गया। क्या डाला गया? उसका प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। और जितने लोग सच्चे दिल से उस खुदा को प्रेम करते जैसे उसने हमसे सच्चा प्रेम किया, सच्चा किया कि झूठा किया है? बोलो, सच्चा किया ना, सच्चा किया ना। अगर सच्चा ना उसने प्रेम किया था तो आज हम इस जगह पे ना होते, उसके नाम की महिमा ना करते होते, उसके नाम की गवाही हम ना देते, क्योंकि वो सच्चा खुदा और उसने सच्चा प्रेम किया है। इसलिए उसने कहा, जो कोई मेरे पास आता है सबसे पहले उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है। बोलो, है कि नहीं? वो है। कितने लोग विश्वास करते कि वो है ना? वो और मेरी हर घटी को क्या करेगा, मेरी हर आस को क्या करेगा, मेरी हर जरूरत को क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मेरी हर बीमारी से मुझे क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मेरे लिए वो सब कुछ करेगा। और वो आपके लिए सब कुछ कर चुका है। आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। आमीन। मैंने कहा वो आपके लिए सब कुछ कर चुका है, करेगा नहीं, वो कर चुका है। इसलिए निराशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो लोग निराशा में अभी भी प्रभु के पास आकर, जिसने कोड़े खाए आपके पापों के लिए, दुखों के लिए और क्रूस पर अपना जीवन दिया, आज भी वो आए हैं पर निराशा में। बोलो क्या है? निराशा में, निराशा। पर मैं आपको बताता हूं कि निराशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। बोलो क्या है? निराशा आपके जीवन का हिस्सा। इसलिए परमेश्वर ने कहा फिलिप्पियों 4:4 में, कितने लोग ये वर्ड को जानते हैं? हाथ खड़ा करो जो जानते हैं। यही चीज है। फिलिप्पियों 4:4 में क्या लिखा है? फिलिप्पियों 4:4 में क्या लिखा? अभी इन चीजों में आपने बढ़ना है। इसलिए प्रभु ने कहा सबसे पहले तुम उसके राज्य और सच्चाई की क्या करो, जो चीज तुम चाहते हो मेरे पास हो। सब लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते मेरे पास हो? इसलिए उसने कहा, क्या कहा? आपसे सुनते हैं। बोलो, मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, मैं खुद की, जब मैं प्रभु के पास आया तो मेरे अंदर बहुत चाहत थी, बहुत प्यास थी खुदा के प्रेम में बढ़ने की, उसकी बातों में बढ़ने की। मैं वचन को सुनता था, क्या करता था? जब मैं दूसरों को देखता था, दूसरे अगुओं को, दूसरे लोगों को देखता था, वो कहते थे यहां पे ये वचन है, ये वचन है, वो ऐसे बताते थे और मुझे याद नहीं रहता था। क्या नहीं रहता था? मैं कई बार निराश हो जाता था, पर मेरी चाहत थी आगे बढ़ने की, मेरी चाहत थी आगे बढ़ने की। मैं भूल जाता था कौन सा वचन कहां पे लिखा, कहां पे, पर मैंने, मुझे किसी दिन किसी प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर से चाहत करो। किससे चाहत करो? क्योंकि समझ और बुद्धि और सब कुछ कौन देता है? कौन देता है? परमेश्वर देता। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने किससे मांगना शुरू किया? इसलिए प्रभु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा। जिस चीज से सब कुछ हो ना, वो चीज लोग मांगते नहीं है, और वो मांगते हैं, उल्टा नियम है ना। क्योंकि सबसे पहले क्या चीज मांगनी है? सबसे पहले बुद्धि और समझ,
अगर आपके पास वो होगा तो आपको खुदा की सच्चाई उसके वर्ड का पता चलेगा, फिर आप उसके धर्मी बनोगे, उसके खोजी बनोगे और उसकी बातों में बढ़ोगे, उसके ज्ञान में बढ़ोगे। जब ज्ञान किसी के जीवन में बढ़ता और उसका कल्याण होता है, क्या होता है? उसका कल्याण होता है। कल्याण जो लोग ज्ञान में बढ़ते हैं उसके प्रेम में बढ़ते हैं, जो चीज मैंने की। और मैं इन चीजों को लेकर जब मैं मुझे याद नहीं रहता था, मैं बहुत उदास होता था, मैं कई बार रोता भी था। बोलो, मैंने आज तक किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी हालात के लिए आज तक मैं रोया नहीं हूं। मेरे जीवन में बहुत हालात आए, जब मैंने जो सेवा शुरू की, बहुत हालात आए, पर किसी हालात ने मुझे रोवाया नहीं। किसी हालात ने भी मेरे खुद की बॉडी में, मेरी फैमिली के, पर किसी हालात ने मुझे रुलाया नहीं। अगर रुलाया तो खुदा के प्रेम ने। उसके लिए मैं रोया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, खुदा मेरे मुझे इस चीज की समझ नहीं है, मुझे उस चीज की समझ नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने ये चीज की। आपको क्या करना चाहिए? बोलो, आपको भी ये चीज करनी चाहिए? बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग तैयार हैं ऐसे आज से? देखना, वो चमकेंगे, वो लोग चमकेंगे। मैं आपको प्रॉफिट वर्ड देता हूं, मैं सच में कहता हूं कि वो लोग चमकेंगे। देखना उनका जीवन कैसा होगा। इसलिए मैंने कहा निराशा आपके जीवन का हिस्सा, इसलिए आपने किस चीजों में बढ़ना है सबसे पहले ये जरूरी है। इसलिए उसके वर्ड, उसके वचन में लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? मैं कहता हूं ऊंचा आनंद, मैं फिर कहता हूं आनंद कर, सब बातों की चिंता कर। ऐसे आनंद तो सुन लिया, और जब चिंता की बात आई तो ऐसे हो गए, चिंता तो करनी पड़ेगी। तकलीफ है, दर्द है, हालात है, प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, तो चिंता तो भाई करनी पड़ेगी। ये नहीं, रसौली है, पथरी है, गिल्टी है, तो चिंता तो करनी पड़ेगी। बेटे बेटा ऐसे है, फीस देनी है, वो काम करना है, बहुत काम है, तो चिंता तो करनी पड़ेगी ना। बोलो बोलो, करनी पड़ेगी कि नहीं? चिंता तो करनी पड़ेगी है? कौन कहता नहीं? कौन कहता? ये झूठ कौन बोल रहा है? ये झूठ कौन बोल रहा है? ये झूठ कौन बोल रहा? कहता नहीं करनी। ये दो चार जने झूठ को बोल रहे हैं, बाकी तो ठीक हैं, बाकी तो मेरे साथ एग्री हैं। ये दो चार जने पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। हाँ, इधर से पूछे। हाँ, थोड़ा आगे आ जाऊं क्यों जी? करनी चाहिए? किसी से पूछते हैं इधर से, क्यों जी? हाँ? हाँ? नहीं करनी चाहिए? पक्की बात है? पक्की बात है? क्यों जी? पक्की बात है? पक्की बात है? करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसा करोगे तो शैतान को थप्पड़ लगेगा। क्या लगेगा शैतान को? थप्पड़, थप्पड़ लगेगा, थप्पड़। क्या लगेगा शैतान को? थप्पड़ लगेगा जब आप चिंता नहीं करोगे। वो कहता कर, पर आपने कहना नहीं करने, क्योंकि आपने उसे चिंता को कहना, मेरे पिता का वचन है, उसने कहा आनंद कर, तो मैंने आनंद, इसलिए लिखा अपने बड़े दुखों और कलेशों में क्या करो, आनंद करो, क्योंकि आपके साथ कौन है? और आप किस पर विश्वास करते हो? और आपका पिता कौन है? वो कुछ नहीं है, वो ताकत का परमेश्वर, जिसने अपने लोगों के लिए लाल समुंदर को भी धोबा कर दिया। क्या कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया?
वो आपके लिए भी सब कुछ करेगा। इसलिए आज से अपने आनंदित रहना और चिंता आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे।